चलिए आज हम फिर से आ गए आपके पास नया आइडिया लेके, अपना फोटो फ्रेम तैयार करेंगे, पूजा के लिए पिक्चर तैयार करेंगे जो बहुत ही सरल तरीके से तैयार बनाएंगे हम, जिसमें घर में मौजूद सारे सामान से भी हम इजीली बना सकते हैं और हर ईयर उसकी पूजा कर सकते हैं, पूजा कर सकते हैं उसके बाद नेक्स्ट ईयर भी इसका हम प्रॉपर यूज कर सकते हैं। फ्रेम बनाने के लिए हमारी क्या क्या रिक्वायरमेंट है? हमको एक पिक्चर चाहिए जो भी हमको फ्रेम करना है, इसको मैंने अपने प्रिंटर से प्रिंट आउट लिया है, तो इस टाइप से मुझे प्रिंट चाहिए और मैंने इस टाइप की कई पिक्चर प्रिंट आउट ली हुई है। हमको एक वाइट ग्लू चाहिए, कोई भी वाइट ग्लू चलेगा। ये मुझे एक सीजर चाहिए, ये गोल्डन रोल है जिसको मैं बॉर्डर बनाने के लिए यूज करूंगी फ्रेम का। ये मेरा ट्रांसपेरेंट रोल है, ट्रांसपेरेंट कवर रोल है जिसको भी हम जनरली बच्चों की नोटबुक होती है ना, तो बच्चों की बुक पर हम सेफ्टी के लिए कवरिंग करते हैं, तो ये इस टाइप का ट्रांसपेरेंट स्टिकिंग पेपर है, इसका यूज करेंगे हम। इसे क्या करेंगे हम, सेम पिक्चर के ही साइज में इसको कट करेंगे, तो इसको बाद में ग्लू करेंगे, जो कि मैं अभी आपको आगे वीडियो में बताने वाली हूँ। तो आइए चलते हैं, तैयार करते हैं। स्टेप से देखिए मेरे सारे फोटोग्राम तैयार हो गए हैं। इसमें मैंने लक्ष्मी पूजन, करवा चौथ पूजन, अहोई अष्टमी और इस टाइप के हमारे जो भी हिंदू त्यौहार होते हैं उसके लिए मैंने फोटो काफ़ी तैयार किए हो गए हुए हैं। ये भगवान राम का मैंने पिक्चर तैयार किया है, जो सबसे पहले तैयार किया था मैंने, भगवान विष्णु का भी पिक्चर तैयार किया, लक्ष्मी माँ की पिक्चर जो है मेरा काफ़ी पुराना यहाँ रेडीमेड लिया हुआ। तो इस टाइप से हम कोई भी पिक्चर तैयार कर सकते हैं। मैंने कुछ आरती की होती हैं, एक्चुअली क्या होता है हम लोगों को तो आरतियाँ याद हैं, बच्चों को आरती याद नहीं है, तो इस टाइप से मैंने ये आरती के भी पिक्चर बना के फोटो फ्रेम बना के रखे हुए हैं, जिनको कि मैं डबल साइडेड टेप से दीवार पर स्टिक कर दूंगी, जिससे बच्चे इसको पढ़े और आराम से भी। इसके अलावा अगर हमें कोई फैमिली फ़ोटो बनाना है या कोई अपना ग्रुप फोटो बनाना है या कोई सिंगल पेयर फोटो बनाना है या अपनी वॉल डेकोर करना है फोटो फ्रेम से, तो इस टाइप से हम फोटो बना सकते हैं। और इसके लिए अगर आपके पास थर्मोकोल का शीट नहीं है तो आप कार्डबोर्ड का, थिक कार्डबोर्ड का यूज कर सकते हैं, और ये कलर टेप मिलता है, तो आप ये कलर डिफरेंट कलर का टेप आप लग के और उसका गोल्डन की बजाय कलर टेप का भी यूज कर सकते हैं। तो आशा है आपको मेरा अच्छा लगा होगा, आपको अच्छा लगा तो आप अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया आप जाके जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए।